हम ना कहते थे, बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू मीना, बोलो बोलो बोलो। हम भिखारी बन जाते हैं। भिखारी? हाँ। जाओ और जाके अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लो, ठीक है? जब तक हम नहीं बुलाएंगे तुम बाहर नहीं आओगी, समझ आ गया? जाओ यहाँ से। एक बात बताऊं, क्योंकि हम दोनों भिखारी एसोसिएशन से आए हैं। सरकार से सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत है? जब सरकार ब्लैक मनी पर इतनी छूट दे रही है तो छुपाने की क्या जरूरत है? इनकम टैक्स भर दो। क्या देख रहे हो? क्या बताऊं क्या देख रहा हूं? मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, गला सूखने लगता है, जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं पाता, मेरा बदन कांपने लगता है, मेरी नसें फटती है। एक मिनट, किसी और तरीके से प्यार का इजहार करो ना। तुम्हारी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। इनफैक्ट तुम्हारी आंखें झील है, झील, और मेरे उस झील में तुम्हें डूब जाने का जी करता है मेरा। नहीं नहीं, डूबना मत। अगर तुम डूब गए तो तुमको बचाएगा कौन? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे कौन कम वक्त बचना चाहता है, डूब जाने दो ना, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी, मेरी पूरी दुनिया तुम्हारी आंखों में ही तो है। सच? पूरी दुनिया? चालू, चलो देख लेते हैं आज की राशिफल में क्या लिखा है। जय सियाराम। अरे पंडित जी, 5 लाखों पन्ना। आज आपके आसपास के लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, इससे आपको परेशानी भी हो सकती है और मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर समय ऊपर वाले ने ही बनाया है और ऊपर वाले की बनाई हुई कोई भी चीज नुकसान नहीं करती। शुभ शुभ सोचें और शुभ शुभ जिएं। जय सियाराम। आस पास हृदय सालू ये कहाँ है? तुम कहीं अफेयर चला के अपनी मम्मी को छोड़ के राशि विला से भाग तो नहीं जाने वाली? कैसी बातें कर रही हो मम्मी? ओ चित्र विचित्र घटना घट रही है। अरे हमको ब्रह्मांड की आवाजें सुनाई दे रही है, बताओ भरी जवानी में हम सन्यास लेंगे का? अरे मम्मी ये ब्रह्मांड की आवाज नहीं, दादाजी के कमरे से आवाज आ रही है। हाँ। दादाजी के कमरे से? हाँ। दादाजी कब से ओम ओम करने लगे? पता नहीं। वो तो सिर्फ सासू माँ से बातें करते हैं। चलो चलो देख लेते हैं चल के। बाबूजी को कहाँ हो गया है? पूछा नहीं, पर यही सवाल हमारे मन में भी घूम रहा था। है? तो पूछा काहे नहीं? तो आज तो सवाल घूम रहा है, हमरा तो सर घूम रहा है बाबूजी को इस तरह से देखकर। रात को तो अच्छा खासा सोए थे, ये सवेरे सवेरे कहाँ हो गया? इतनी बड़ी त्रासदी। एक मिनट, बाबूजी। आओ बालिके। बालिके? अरे बालिके नहीं, हम आपकी भानुबहु हैं, सर्वगुण संपन्न वाली। का हो गया आपको अचानक बाबूजी? कुछ लेते काहे नहीं? अचानक कब हुआ है बालिके? रोज तुम्हारा टीवी पे भाग्य देखने के बाद मैं टीवी देखता था और उस पे दिखता था बाबा परमानंद का ज्ञान। धीरे धीरे मैं भी भगवान में लीन होना शुरू हो गया। समझ में आ गया
ये दुनिया मिथ्या है, हर चीज मिथ्या है, और अगर कुछ है तो सिर्फ वो। वहाँ कहाँ है बाबूजी, जो आप ध्यान लगा रहे हैं वहां तो मकड़ी के जाले होंगे या छिपकली होगी। मूर्ख, वो हर जगह है, कण कण में, पल पल में, हर जगह है? और उसका नाम है ईश्वर, परमात्मा। बात कर कर तक पहुंच गई दादाजी, और आपने बताया तक नहीं। क्या ईश्वर बताता है कि वो क्या करने वाले हैं? हम भी ईश्वर के भक्त हो गए और उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। अब वैसे अगर बता देते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन आपका कह रहे हमको नहीं समझ में आ रहा है। टर्न इनटू मार्केट। समझ जाओगी बाली के, समझ जाओगी। आज तो हमारा संन्यास लेने का प्रथम दिन है। आपने संन्यास ले लिया बाबूजी? जय बाबा परमानंद। बाबा परमानंद, आपका करना पड़ेगा कोनो इंतजाम परमानेंट ट्रस्ट के साथ। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। ए बाबा, ये कहां घुस जा रहे हो? बालक। दादाजी, अरे कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन कर ली है क्या? क्या पार्टी, क्या नीति, क्या राजनीति, क्या क्रांति। बैठो, नीचे बैठो। अब बोलो क्या पूछ रहे थे? हाँ तो इस सब में नहीं रखा है तो किस में रखा है? हम बोल रहे थे राजनीति क्रांति व्रांति में कुछ नहीं रखा। तो किस में रखा है बाबा, बताइए। बाबा परमानंद, ईश्वर, परमेश्वर में। हम सब उसी के बनाए हुए हैं। तुम परमेश्वर के बेटे हो। नहीं 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 नहीं, हम परमेश्वर के नहीं, हम तो रामलाल के बेटे हैं। अरे परमेश्वर काका तो हमारे पड़ोसी हैं। हम तुम्हारे उस परमेश्वर काका की बात नहीं कर रहे। तो फिर? परमेश्वर की बात कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं, जिसने तुम्हें बनाया है, हमें बनाया है, इस जहान को बनाया है। क्या काका, क्या चाचा, क्या मामा, क्या भतीजा, क्या दादा, क्या दादी, क्या नाना, क्या नानी, क्या नाते, क्या रिश्ते, ये सब मिथ्या है। अगर कुछ सच है तो वो है परमेश्वर। बोलो जय बाबा परमानंद की। हे भगवान, कहाँ फंसा दिए? आया था कल्लू का दर्शन करने, ये बाबा कहाँ से दर्शन दे दिए? लगता है तुम परमेश्वर में खो गए हो। नहीं, हम तो परमेश्वर के हो गए, तो अब चले। बैठे रहो, बैठे रहो। अब जब तुम परमेश्वर के हो ही गए हो तो उसमें लीन हो जाओ। पालथी मारो, ऐसे टांग के ऊपर टांग रखो और फिर इस तरह आंखें बंद कर परमात्मा में लीन हो जाओ। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। बस ऐसे ही लगे रहो, हम अभी आते हैं। सबका मालिक एक। दादाजी,
आप फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हो या फिर किसी माइथो सीरियल में काम मिल गया है? माइथो? हाँ दादाजी, आजकल इतने माइथो सीरियल बन रहे हैं कि रोज साधु बाबा की जरूरत पड़ती है। आजकल देश में ओरिजिनल साधु की जगह डुप्लीकेट साधु घूम रहे हैं। नहीं बालिके, नहीं, ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला बिजनेस नहीं है जो कि ओरिजिनल या डुप्लीकेट हो। साधु साधु होता है, सन्यासी होता है जो रम जाता है। कहाँ जाता है? जो रम जाता है। छी, आप साधु की ड्रेस पहन के रम की बात करते हो? नहीं बालिके, नहीं, रम का मतलब होता है ईश्वर में लीन हो जाना, तालीन हो जाना। चलो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देता हूँ। ला दो। ये कौन सी करेंसी है दादा जी? अरे बेटा, करेंसी नहीं, तुम्हारी भाषा में ज्ञान को नॉलेज कहते हैं। चलो बालिके, मैं तुम्हें नॉलेज देता हूं। इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। ये संसार नश्वर है, इसलिए हमेशा और हर समय जो भी आता है उसे जाना पड़ता है, और जो नहीं जाता है वो एक ही चीज है, वो है ज्ञान। अब धीरे से आंखें बंद करो। अरे अरे, हमारी नहीं, अपनी आंखें बंद करो और ईश्वर के बारे में सोचो, उसमें लीन हो जाओ। धीरे धीरे उनकी छवि संपूर्ण और स्पष्ट नजर आएगी। लीन हो जाओ। जय बाबा परमानंद, जय बाबा परमानंद। दादाजी कहाँ गए? जय बाबा परमानंद। चलो ढूंढते हैं। जय बाबा परमानंद। हे भगवान, कहाँ फंस गए थे? अगर थोड़ी देर और बैठ जाते तो कलयुग से एकदम सतयुग में पहुंच जाते, समझ में? क्या हुआ? गली के कुत्ते पीछे पड़ गए तेरे, जो भागे जा रहा है। अरे वो पर जाते तो अच्छा था। अबे ऐसा कौन पीछे पड़ गया? अरे दादाजी, करमवीर चौबे। करमवीर चौबे? हाँ। अरे लेकिन वो तेरे पीछे क्यों पड़ेंगे? ताकि हम उनका प्रवचन सुन सके, सुनने बैठ सके। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। अबे चुप, अब क्या सबको तू ही सुनेगा, मुझे भी कुछ सुनाएगा? बात क्या है मालिक? दादाजी ना सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी? हाँ। अरे उसी की तरह गेरुआ वस्त्र पहने हुए, हाथ में रुद्राक्ष की माला, पैर में खैराऊ और माथे पे चंदन का लंबा तिलक और जवान से लंबा भाषण। कहते हैं ये संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है। रुपया, पैसा, माया, मोह, जमीन जायदाद सब नश्वर है। इस सब को त्याग दो और परमेश्वर में ध्यान लगाओ। क्या कह रहा है? वही जो हम सुन के मतलब सह के आए। का मतलब जो उनके लिए मिथ्या है वो हमारे लिए बहुत बड़े काम की चीज है। मैं समझा नहीं? समझाता हूं। पहले मैं बाबा करमवीर आनंद के दर्शन करा। बाबा करमवीर आनंद? ये कौन से बाबा है? अबे करमवीर चौबे यार, ये नया नाम मैं उनको देने जा रहा हूं। बाबा परमानंद के चेले स्वामी करमवीर आनंद। खुश हो जाएगा बुंडा, है? तो मुझे जाने दो। बाबा करमवीर आनंद, मैं आया। जय बाबा परमानंद की। जय बाबा परमानंद की। हम देख रहे हैं हमारे शिष्य कम होते जा रहे हैं। हाँ, उनके पैर दुखने लगे थे इसलिए लोग बाहर गए विश्राम करने के लिए। तो हम भी अपनी धुन में चले जाते हैं। हाँ चलिए दादाजी। कहाँ? अरे अभी आप ही ने तो कहा कि हम अपने रूम में जाएं। अरे मूर्ख बालिका, बोलो जय बाबा परमानंद की। जय
बाबा परमानंद की जय हो, बाबा कर्मवीरानंद की जय हो। सूरी भैया क्या कर रहे हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो हम भी अपनी धुन में चले जाते हैं। हाँ चलिए दादाजी। कहाँ? अरे अभी आप ही ने तो कहा कि हम अपने रूम में जाएं। अरे मूर्ख बालिका, अपनी धुन में जाते हैं मतलब ईश्वर में लीन हो जाते हैं। बोलो जय बाबा परमानंद की। जय बाबा परमानंद की। जय हो बाबा कर्मवीरानंद की जय हो। सूरी भैया क्या कर रहे हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। उठो बालक, बैठ जाइए और मेरी जय जय मत कीजिए, बाबा परमानंद की जय कीजिए। जय हो बाबा परमानंद की। देखो बाली के वस्त्र से अच्छा है कि मन साफ हो। वस्त्र जिस तरह धुल जाते हैं उसी तरह मन भी धुला हुआ होना चाहिए। वो मन जो इन वस्त्र के पीछे होता है, एक बार ऐसा हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा कर्मवीर आनंद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा नाम मत लीजिए, गुरु परमानंद जी का नाम लीजिए। हमने तो उन्हें नहीं देखा है, हमारे लिए तो सिर्फ आप ही हैं कल के आने वाले गुरु सन्यासी, सब कुछ आप ही हैं। बोलो बाबा परमानंद की जय। जय। इतना नाम का लोभ, धन का लोभ अच्छा नहीं है बालक। धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ यही रह जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी हमारा अपना नहीं, जो कुछ भी है सिर्फ परमेश्वर का है। घर बार छोड़कर बालक ईश्वर में मन लगाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं तो आपके पीछे पीछे ही हूँ। आप बताएं आप कब त्याग कर रहे हैं घर बार? हमारे पास तो बार है ही नहीं। तो है, उसे ही त्याग दो। उसे हम त्याग देंगे। तो त्याग पत्र तैयार करूं? कौन सा त्याग पत्र बालक? उससे आपको क्या लेना, आपको तो सिर्फ त्याग करना है ना। बोलो बाबा परमानंद के चेले बाबा कर्मवीरानंद की जय। सूर्यानंद बाबा तो नहीं बनना चाह रहे हैं? अरे नहीं यार, मैं इस बंगलों पर कब्जा करने का अपना बरसों का सपना पूरा करना चाहता हूँ बस। तू एक काम कर, तू एक स्टैम्प पेपर लेके आ और सुन, उस स्टैम्प पेपर पे एक अग्रीमेंट बनवा और सुन, उस अग्रीमेंट में इस बंगलो और मालिक का नाम लिखवाना मत भूल। हाँ और हाँ सुन, उसमें नए मालिक का नाम यानी मेरा नाम लिखवाना मत भूल। हाँ और हाँ सुन, जल्दी आना। आप क्यों पलटा? अरे इतनी देर से बार बार आप पलटा रहे थे, फिर सोचे कि आप पलटाइएगा इसलिए हम अपने पलट गए। दोबारा पलटाना तो पलट के दूंगा एक, चल निकल। फाइनली ये बंगलो मेरा। हे प्रभु, आपके बंगलो मेरा होने तक ये कर्मवीर चौबे में त्याग की भावना बनाए रखना बस। ओ
बाबा परमानंद की जय। जोर से बोलो जय बाबा परमानंद की जय। आज का ज्ञान समझ में आया या फिर से सुनाऊं? समझ में आ गया। देखो बालिके, वस्त्र से अच्छा है कि मन साफ हो। समझ में नहीं आ रहा चाची जी, क्या करें? वही तो, दादाजी तो हमें जबरदस्ती अपना प्रवचन सुनने के लिए बिठा देते हैं, कुछ काम भी नहीं करने देते। अगर काम करो तो बोलते ध्यान करो बालिके। कार्टून वस्त्र जिस तरह धुल जाते हैं उसी तरह मन भी धुला हुआ होना चाहिए। वो मन जो इन वस्त्र के पीछे होता है, एक बार ऐसा हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ यही रह जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी हमारा अपना नहीं, जो कुछ भी है सिर्फ परमेश्वर का है। घर बार छोड़कर ईश्वर में मन लगाओ। अब हम थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं। अगला ज्ञान कुछ वक्त के बाद देंगे, कुछ समय के बाद देंगे। जय बाबा परमानंद की जय। बजुन नारायण नारायण नारायण। समझ में नहीं आ रहा चाची जी, क्या करें? वही तो, दादाजी तो हमें जबरदस्ती अपना प्रवचन सुनने के लिए बिठा देते हैं, कुछ काम भी नहीं करने देते। अगर काम करो तो बोलते ध्यान करो बालिके। कार्टून भी नहीं देखने देते, बोलते भगवान पर ध्यान रखो। हाँ, और हम तो सुबह सुबह जब रसोई में खाना बनाने गए तो हमको खाना ना ही बनाने दिया, कहने लगे आलू और कंदमूल उबाल के खाओ। बताओ ये भी कोई बात हुई? एक बात कहें, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी जो है हमारी समाधि यहाँ राशि वेला में बन जाएगी। देवश्री भानुमती की समाधि, देवश्री कुक्कू की समाधि, देवश्री शालू चौबे की समाधि। बस 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 करो बस करो। देखो ऐसा है कि ये जो सन्यासी का प्रथम अध्याय है ना, इसको यहीं पे खत्म करना होगा। हाँ कैसे? कैसे? जो परमानंद बाबा है ना, उनका कुछ परमानेंट इलाज करना होगा। पर कैसे? सोच रहे हैं मम्मी। अरे तो फिर सोच ना, टकरा काहे रही हो? चाची जी, जिससे बिना सिग्नल के ट्रैफिक होता ना, कोई भी कहीं पर भी घुस जाता है, कोई भी कहीं पर भी टकरा जाता है, कोई भी कहीं पर। अरे एक मिनट मेरी नानी, यहाँ कोई भी की नहीं, तुम्हारे दादाजी की बात हो रही है। जय बाबा परमानंद। अरे अभी कहा है? चाची जी, आप ही ने तो कहा था कि दादाजी के बारे में बात करो। हाँ। अब मैं दादाजी के बारे में बात कर रही हूँ तो आप ये कह रहे हो। कैसे? वो हमेशा यही कहते रहते हैं, जय बाबा परमानंद, जय बाबा परमानंद।